ठीक है गाइस, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक अखिलेश। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे विवो का Y24 में नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो कैसे लगाएं। गाइस अगर आप भी अपने फोन के नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो लगाना चाहते हो तो यहाँ से हम गाइस बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे। गाइस अपने फोन की सेटिंग के जरिए नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो लगा सकते हैं, या फिर गाइस कोई भी वॉलपेपर अगर आपको सेट करना है तो वॉलपेपर कैसे आप सेट करेंगे, यहाँ से सिंपली हम आपको अपने फोन के बिल्कुल सेटिंग से बताएंगे। गाइस अगर आपने जो कि नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो लगाते हैं तो देखने में काफी अमेजिंग काफी कूल लगेगा, तो अगर आप भी अपने फोन के नोटिफिकेशन बार में फोटो लगाना चाहते हो बिल्कुल गाइस लगा सकते हो। तो यहां पे देखिए भाई हमारे नोटिफिकेशन बार बिल्कुल यहां पे नॉर्मल, यहां पे कोई भी फोटो ऐड नहीं है, तो हम आपको ऐड करके आपको अभी दिखाएंगे। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना, एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए इसके लिए करना क्या, प्ले स्टोर गाइस ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बार में जाना, आपको सर्च क्या करना है, नोटिफिकेशन फोटो, ठीक है। सर्च करेंगे और आपको यहाँ पे जो फर्स्ट में एप्लीकेशन मिल जाएगा नोटिफिकेशन बार कार्टोमाइजेशन, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन की 3.9 की रेटिंग है, 6 MB का एप्लीकेशन, इसको 10 लाख से ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो इसको ऑलरेडी पहले से भी डाउनलोड करके यूज करते हैं। देखिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो सिंपली हमने एप्लीकेशन को ओपन किया, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेटस बार, उसके नीचे मिलेगा नोटिफिकेशन बार, तो यहाँ पे कुछ लोडिंग का ऑप्शन है, अभी आपको यहाँ पे ऊपर साइड में क्लिक करना है। यहाँ गाइस क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना है और यहाँ आपको मिलेगा अलाउ परमिशन, यहाँ पे गाइस अलाउ कर देना है, यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर देना और यहाँ से गाइस बैक आना है, बैक आएंगे और यहाँ पे गाइस आपको एप्लीकेशन को परमिशन देकर अलाउ करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार चेंजर, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ एप्लीकेशन को परमिशन देकर अलाउ करके यहाँ से बैक आना है, फिर से बैक आ जाना है और अभी ऊपर में यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है, आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बार स्टेटस बार, ठीक है। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पे गाइस क्लिक करना, गो टू कार्टोमाइज पे, ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पर यहाँ गाइस क्लिक करेंगे और यहाँ आपको देखिए मिल जाएगा, इसको अगर आप अपने फोन में ऑफ किए हैं तो इसको गाइस पहले ऑन कर लीजिएगा, इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ आपको मिलेगा नोटिफिकेशन थीम का ऑप्शन, यहाँ गाइस क्लिक करना और यहाँ पे आपको फोटो मिल जाएगा, ठीक है। जो भी फोटो यहाँ पे गाइस ऐड करना, फोटो बिल्कुल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस आपको जो अपना फोटो अगर ऐड करना है तो यहाँ आपको राइट साइड में गैलरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ गाइस क्लिक करेंगे, आपको चॉइस इमेज फॉर्म गैलरी, यहाँ गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए पासवर्ड लगा हुआ, हम पासवर्ड को ऐड करते हैं और यहाँ हमारा जो कि गैलरी खुल के ओपन हो जाएगा। तो जो फोटो आपको ऐड करना है सिंपली उस फोटो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि और यहाँ पे गाइस अभी क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको क्रॉप का ऑप्शन आएगा, क्रॉप पे गाइस क्लिक करना है और यहाँ कोई ग्रीन कलर का जो कि ट्रक का निशान बन के आएगा यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना है, ठीक है, क्लिक कर दिया। यहाँ से देखिए मोल बैक आते हैं और हमारे फोन के जो कि नोटिफिकेशन बार में हमारा फोटो लग चुका है, यहाँ पे देखिए हम गाइस क्लिक करेंगे, जो वाइट सी आपको लाइनिंग मिलेगी उस लाइनिंग पर गाइस आप क्लिक करेंगे और आपका जब नोटिफिकेशन बार खुलेगा तो गाइस यहाँ पे आपका फोटो बिल्कुल शो होगा। तो आप ऐसे बिल्कुल सेटिंग करके अपने फोन में नोटिफिकेशन बार पे अपना फोटो लगा सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।